मैंने अदर प्रोडक्ट वर्क में अप्लाई किया था और जो सर रिजेक्शन आई हुई है वो हैवी ट्रक ड्राइवर में आई हुई है, बट मैंने तो हैवी ट्रक ड्राइवर का अप्लाई ही नहीं किया था, इसका क्या रीज़न हो सकता है सर? मैंने तो ट्रक ड्राइवर के जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, लेकिन जो मेरा रिफ्यूज़ल लेटर आया है इसमें लिखा है कि आपका जो एप्लीकेशन था वो ट्रक ड्राइवर का था, बताइए मैं क्या करूं। देखिए, ये कहते हुए एक हमारे सब्सक्राइबर है जो इंडियन है और दुबई में बेस्ड है, उनका हंगेरी का वर्क वीज़ा रिसेंटली रिफ्यूज़ हुआ है और उन्होंने वॉइस मैसेज के जरिए शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमें क्या बताया। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मैंने अभी हंगरी का वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, मेरा BFS क्लियर हो गया था सितंबर में जो है, अभी मेरा पासपोर्ट जो है वो आया है, मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था। मैंने अदर प्रोडक्ट वर्क में अप्लाई किया था और जो सर रिजेक्शन आई हुई है वो हैवी ट्रक ड्राइवर में आई हुई है, बट मैंने तो हैवी ट्रक ड्राइवर का अप्लाई ही नहीं किया था, इसका क्या रीज़न हो सकता है सर? फ्रूट कंपनी थी, मुझे मैडम ने ये बताया था मेरे एजेंट ने कि कोई फ्रूट कंपनी है उसमें काम होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपने हमारे सब्सक्राइबर को सुना, हमारे सब्सक्राइबर का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। एजेंट ने इनको हमेशा ये बताया कि ये जो कंपनी है ये फ्रूट्स की कंपनी है, जबकि कंपनी जो है वो एक रिक्रूटमेंट कंपनी है और इनके रिफ्यूज़ल में ये साफ लिखा हुआ है कि जो जॉब अप्लाई किया गया था इनके लिए वो ट्रक ड्राइवर का था। और इमिग्रेशन ने और भी चीज़ें लिखी हैं, लिखा है कि इस जॉब के लिए बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ने अप्रूवल नहीं दिया, तो एक ये रीज़न है रिफ्यूज़ल का। दूसरा, उन्होंने लिखा है कि भाई हम इस कंपनी में गए और ये जो कंपनी का ऑफिस है या कंपनी की जो सीट है वो इतना छोटा है कि वहाँ पे सिर्फ दो बंदे बैठ सकते हैं। अब ठीक है, कंपनी का ऑफिस छोटा हो सकता है, लेकिन जहाँ पे लोगों का काम करना है या लोगों को काम करना है वो एक बड़ी जगह हो सकती है। तो यहाँ पे जो चीज़ समझ में आई है कि एजेंट ने एक तो मिसलीड किया ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इनको, इनसे 9500 दरहम ले लिए और इनको जो जॉब बताया वो नहीं था। अब यहाँ पे जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं वो ये कि देखिए, या तो एजेंट को नहीं पता था कि क्या हो रहा है उनके साथ, हो सकता है ऐसा इसलिए हुआ कि वो हंगेरियन नहीं जानते थे एजेंट। और एक और चीज़ जो मुझे समझ में आई है, यहाँ पे इन्होंने बताया जो हमारे सब्सक्राइबर हैं कि जो ऑफिस था इस एजेंट का वो भी अब बंद है और ये एजेंट बेसिकली पाकिस्तान से है, और अभी इनको ये भी नहीं पता कि अब ये जो एजेंट हैं ये पाकिस्तान में है या दुबई में मौजूद है। तो बेसिकली जो इनकी हार्ड अर्न मनी थी, क्योंकि इनकी जो तनख्वाह है हर महीने की वो 1600 दरहम है, यानी करीब 6 महीने की तनख्वाह ये गंवा चुके हैं। इन्होंने मुझे बताया कि करीब 1 साल लगा था इनको ये पैसे सेव करने में, और एजेंट अभी भी इनसे कह रहा है कि जी हम अपील कर देंगे। देखिए, अपील किस बेसिस पे करेंगे? अपील के कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि जब कंपनी को बेसिकली उस जॉब के लिए अप्रूवल ही नहीं मिला लेबर ऑफिस से, तो अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, रिफ्यूज़ल में ये भी लिखा है कि कंपनी बहुत छोटी है। तो यहाँ पे मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूँगा, देखिए, अगर आप हंगेरी में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप हंगेरी में काम करने के लिए आना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अच्छे से खुद रिसर्च करें, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका टाइम और पैसा वेस्ट होगा। मैं पिछले कुछ वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कई बार क्या चीज़ होती है, कंपनी बहुत छोटी होती है तो अगर उसके कागज़ आपके पास हैं भी तो अप्रूवल नहीं मिलता है। दूसरा, कई बार जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एडिट किए गए होते हैं, तो इसको लेके भी आप केयरफुल रहें। जब भी आपके पास किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आए, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा गूगल सर्च करिए, उसको सर्च करिए लिंक्डइन पे, इंडीड पे या फेसबुक पे, उसके बाद ही आप अपने एजेंट के साथ आगे बढ़िए। लेकिन रिसर्च कंपनी के बारे में करना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि अगर रिफ्यूज़ल आ गया उसका असर आप पे पड़ेगा। तो प्लीज़, चाहे आप इंडिया से हों या आप पाकिस्तान से हों या आप दुबई में काम कर रहे हैं, ओमान में काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। और मैंने अपने कई वीडियोस में इस बारे में बताया भी है, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखना। और अगर आपको अपना प्रोसेस शुरू करना है तो आप बेसिकली अपने एजेंट से क्लियरली पूछिए वहाँ पे क्या जॉब रहेगा, क्या सैलरी रहेगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ,
वेयर हाउस जॉब्स के नाम पे भी बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जाता है। देखिए वेयर हाउस में इतनी जॉब्स है नहीं, और कई बार हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया है कि उनको बताया जाता है कि वेयर हाउस की जॉब है और जब पेपर्स आते हैं वो किसी और जॉब के लिए होते हैं, और फिर एजेंट उनसे कहता है जी अभी अवेलेबल यही है तो आप ये ले लो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वेयर हाउस में जॉब मिले, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि एजेंट आपका आपको क्लियरली बताए कि किस तरीके की जॉब्स अवेलेबल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि और लोग इस तरीके की गलती ना करें और अपना पैसा और टाइम ना गंवाएं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।